भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों गांव में घूमकर भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए वोट मांगे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सतपाल सत्ती ने प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के चुनावों के बाद जयराम सरकार के रहने और ना रहने के बयान पर तीखा हमला करते हुए उन्हें चुनौती तक दे डाली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में घूमकर भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए वोट मांगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सत्ती ने प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के चुनावों के बाद जयराम सरकार के रहने और नहीं रहने के बयान पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें चुनौती दे डाली है। सत्ती ने सरकार के गिरने पर अपने राजनीतिक छोड़ने और पूरे 5 साल चलने पर अग्निहोत्री की राजनीति छोड़ने की खुली चुनौती दी है। यही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष ने नेता विपक्ष पर शाब्दिक प्रहार करते हुए उन पर पत्रकारिता के समय से अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। सत्ती ने मुकेश को झूठ का मसीहा तक की संज्ञा भी दे डाली। सत्ती ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारिता के समय में भी वीरभद्र और सुखराम के साथ कई नेताओं में दरारें पैदा करने का काम किया था। मुकेश अग्निहोत्री का झूठ का मसीहा अगर किसी को कहना तो मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल की राजनीति में आज की डेट में अफवाहें फैलाना उनका शुरू का काम रहा है। जब वो पत्रकार थे तब सुखराम और वीरभद्र सिंह में लड़ाई डालने वाले मुकेश अग्निहोत्री थे, और फिर उसके बाद शांता कुमार जी के बारे में उल्टा सीधा लिखना, धूमल जी के बारे में उल्टा सीधा लिखना, एक की बात दूसरे को करना, दूसरे की बात दूसरे को करना, और अपने काम के लिए किसी के भी दरवाजे पर चल जाना और दूसरे किसी का काम नहीं करना, जो उनकी फितरत है। इसलिए उनको ये कहना चाहिए कि अगर 5 साल घूमट चलती हो राजनीति छोड़ दें, अगर ये नहीं चलती हो गिरा देते तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अपने विवादित बयानों से चर्चा में आए हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने फिर एक बार अपने विरोधियों पर तीखा हमला किया है। इस बार सत्ती के निशाने पर आए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सीताराम येचुरी, जिन्होंने महाभारत और रामायण के युद्धों के जरिए हिंदू धर्म के अहिंसक नहीं होने पर सवाल खड़े किए थे। सत्ती ने येचुरी के बहाने कम्युनिस्टों पर प्रहार करते हुए हिंसक प्रवृत्ति को ही कम्युनिस्ट विचारधारा की पहचान होने की बात कही है। सनातन धर्म में अधर्म के साथ लड़ाई हमेशा रही है, और आज भी हम अधर्मियों के साथ ही लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म के साथ हम लोग खड़े हैं। इसलिए कृष्ण ने भी बोला है कि पापी को मारना कोई पाप नहीं है, क्योंकि पाप तो तभी खत्म होगा जब पापी खत्म होगा। तो कोई उसको हिंसा कहे तो मुझे लगता है उससे जैसा, जिसको आप लोग कहते थे झूठा बयान, कोई नहीं हो सकता है। हिंसक प्रवृत्ति अगर कहीं रही है तो कम्युनिज्म में रही है, साम्यवाद में रही है। जिस साम्यवाद ने जिस भी देश में आए उसमें लाल क्रांति से आए, लाल क्रांति के मतलब है खून के ऊपर, लाशों के ऊपर कम्युनिज्म की स्थापना हुई। तो सीताराम येचुरी तो आज कम्युनिज्म से जुड़े हुए हैं, जेएनयू के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं उसकी वो पैदाइश है। तो उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि वो वहाँ से प्रेसिडेंट निकले तो कैसी यूनिवर्सिटी है वो। और दूसरा, उनको सनातन धर्म की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनके नाम के साथ सीता और राम दोनों जुड़े।